नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ में द कश्मीर फाइल्स पर सियासत जारी है। सीएम भूपेश ने अपने मंत्रियों के साथ देखी है द कश्मीर फाइल्स। सीएम भूपेश ने यह भी कहा है कि फिल्म में सब आधा अधूरा है। फिल्म में सिर्फ हिंसा दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म देखने नहीं पहुंचा विपक्ष का कोई विधायक। तो सीएम भूपेश बघेल ने इस फिल्म को देखा और कहा कि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ हिंसा दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म देखने के लिए विपक्ष का कोई विधायक नहीं पहुंचा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की यहां पर आपको बता रहे हैं, जहां से भूपेश बघेल ये फिल्म देखने पहुंचे छत्तीसगढ़ में द कश्मीर फाइल्स। और इस पर अब सियासत भी लगातार जारी है, क्योंकि एक तरफ जहां दो धड़ बट चुके, क्योंकि एक तरफ जहां इस फिल्म की तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ इस फिल्म की आलोचना भी हो रही है। देखने कोई भी विधायक नहीं पहुंचा। बड़ी जानकारी, सीएम भूपेश ने अपने मंत्रियों के साथ देखी द कश्मीर फाइल्स। सीएम भूपेश ने कहा कि फिल्म में सब आधा अधूरा है और सिर्फ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बताता अमित चौरसिया जुड़ गए हमारे साथ। अमित, क्या कुछ अपडेट है? सीएम तो पहुंचे हैं फिल्म देखने, लेकिन विपक्ष का कोई विधायक नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ सीएम ने इसकी निंदा भी की है, कहा है कि सिर्फ हिंसा दिखाई गई है। यह बात उठी थी कि द कश्मीर फिल्म को लेकर यहाँ काफी हंगामा हुआ था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने मिली थी। टैक्स फ्री करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए करते थे। भूपेश बघेल एक तरफ कह रहे थे कि केंद्र सरकार इसे टैक्स फ्री करे तब हम इसको टैक्स फ्री करेंगे। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच यहाँ पर समेत सभी विधायकों को यहाँ पर फिल्म देखने के लिए कि सब साथ में बैठकर फिल्म देखेंगे, बिल्कुल चलिए। तो उन्होंने रात 8 बजे यहाँ पीवीआर सिनेमा में बकायदा एक शो पूरी तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात 8 बजे के शो में सभी सदस्यों के साथ पहुंचे, तो उसमें विपक्ष कहीं भी नहीं था। विपक्ष पूरी तरह से नदारद था और यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री यहाँ पर उन्होंने देर रात तक फिल्म देखी। और फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरी तरह से यह फिल्म एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया। इस फिल्म में अनैसरी, इसमें हिंसात्मक दृश्य डाले गए हैं, तो काफी इसे हिंसात्मक दिखाया गया है। और तो इस तरह की बात आई है जी। बिल्कुल अमित, और एक तरफ जहां बीजेपी के कई बड़े नेता फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत बढ़िया फिल्म है, गट्स होने चाहिए ऐसी फिल्म बनाने के लिए, और जो टीम भी है फिल्म की वो भी पीएम से भी मिलने पहुंचे, तो दूसरी तरफ इस तरह से बयान आ रहा जैसे कि अभी सीएम भूपेश बघेल ने कहा, तो कह सकते हैं सियासत जो है फिल्म के ऊपर वो शुरू हो गई है।
बिल्कुल 1990 में जिस तरीके से उस समय केंद्र में कांग्रेस बैठी थी और जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर कश्मीर में अन्याय और अत्याचार हुई, उस फिल्म को उसी चीज को उसमें दर्शाया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा जो है पूरी तरीके से इस फिल्म को नकारता नजर आ रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठा कांग्रेस भी इस फिल्म को नकार रहा है। वहीं सत्ता पक्ष में बैठी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है पूरी तरह से इस फिल्म को मनोरंजन की दृष्टि से देखा उन्होंने और सीधे तौर उन्होंने इस फिल्म को एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए बनाया गया, ये बयान दिया है। जी बिल्कुल अमित, और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में द कश्मीर फाइल्स पर सियासत जारी हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने ये फिल्म देखी, अपने मंत्रियों के साथ उन्होंने ये फिल्म देखी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस फिल्म में हिंसा दिखाने की कोशिश की गई।